बिहार का जो मॉडल है वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने, नीतीश जी ने जो करके दिखाया है, आज बड़े से बड़े लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि भाई हाँ, जनता की जरूरत जो है वो बिहार की महागठबंधन सरकार कर रही है। मार्केटिंग करके, प्रचार करके कुछ लोग कितना भी झूठ बोल करके कुछ दिन रह ले, लेकिन जनता जो है वो मालिक है, वो हर एक चीज को देखती है। नौकरियां दी जा रही है, वो पूरे देश इसको जो है इस मॉडल को मानेगा, तो आज क्या हो रहा है आप बताइए। प्रधानमंत्री जी इससे पहले क्यों नहीं बांटते थे भाई, क्यों नहीं देते थे? बिहार मॉडल पर केंद्र सरकार चल रही है। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का यह कहना है कि जिस तरीके से बिहार में विकास हो रहा है, बिहार में कार्य हो रहा है, बिहार में युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जिस तरीके से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी और हमने यह वादा किया है कि 10 लाख रोजगार और 10 लाख नौकरी देंगे, इस पर हम कार्य कर रहे हैं और छठ पूजा जिस तरीके से खत्म होगा उसके बाद जो है लगातार रोजगार जो है वो महागठबंधन की सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने भी यह कहा है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए यह साफ कहा है कि बिहार में हम जिस तरीके से रोजगार दे रहे हैं, जिस तरीके से युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने यह साफ कहा है कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा देखा इसकी जो है केंद्र सरकार कर रही है, यानी कि जितना भी विकास हो रहा है, जितना भी बिहार में कार्य हो रहा है या फिर रोजगार दिया जा रहा है, ये हम जिस तरीके से कर रहे हैं इसको देखते हुए केंद्र सरकार भी वही कर रही है, यानी कि बिहार मॉडल पर केंद्र सरकार चल रही है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वो सुने आप लोग। बिहार का जो मॉडल है वही मॉडल जो है वो देश में लागू कर रहे हैं। अब आप समझिए कि कितना बड़ा काम है जो हम लोगों ने, बिहार के लोगों ने, नीतीश जी ने जो करके दिखाया है, आज बड़े से बड़े लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि भाई हाँ, जनता की जरूरत जो है वो बिहार की महागठबंधन सरकार कर रही है। अब जुमलेबाजी से काम नहीं चलने वाला, अब जो वादा किया था उसको काम करना पड़ेगा, उसको निभाना पड़ेगा। और आप लोग कल्पना कीजिए कि भाई केवल इवेंट से मार्केटिंग करके, प्रचार करके कुछ लोग कितना भी झूठ बोल करके कुछ दिन रह ले, लेकिन जनता जो है वो मालिक है, वो हर एक चीज को देखती है। सच को छुपाया नहीं जा सकता। जरूरत जो है देश की, लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए, बेसिक नीड्स जो सोसाइटी का है वो उनको उपलब्ध होना चाहिए, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और आप देख लीजिए आज उनको भी जो है ये काम करना पड़ा, और ये कोई पहला काम नहीं। इससे पहले भी जो हमारा रोड में जो मेंटेनेंस को लेकर के कंट्रोल कमांड है, उसको भी एनएच ने, भारत सरकार ने अपनाने का काम किया है। और ये जो आज डिजिटल का जो शिलान्यास हुआ है, जहां डिजिटली जो है सारी चीजें व्यवस्थित होंगी, ये भी सुनने में आ रहा कि भाई भारत सरकार इसको कंट्रोल करेगी, देखेगी, अपनाएगी। यानी बिहार जो जो फैसला ले रहा है नीतीश कुमार जी, महागठबंधन की सरकार जो जो निर्णय ले रहे हैं, उसी को जो है वो लोग अपनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सब लोग जानते हैं, सब लोग समझ रहे हैं, भले ही कल कुछ लोग, अब भारत की आबादी कितना है, लगभग 100 करोड़ से ऊपर है, वहां 75,000 भारत सरकार नियुक्ति पत्र दे रहा है। बिहार की आबादी लगभग 12 करोड़ है, उसमें हम लोगों का खाली स्वास्थ्य विभागी 1.5 लाख नौकरी दे रहा है। तो आप कल्पना कर लीजिए, जहां 12 करोड़ की आबादी है, वहां गृह विभाग, अलग अलग विभाग में मुख्यमंत्री जी ने डिपार्टमेंटों को बोला, शिक्षा विभागी जो है लाखों में देने जा रहा है, गृह विभाग लाखों में देने जा रहा है। तो हम लोगों ने जो कमिटमेंट किया सरकार आज क्या किए, मेरी बात सच हुई कि नहीं हुई?
हमने जब लेबर डिपार्टमेंट का प्रोग्राम चल रहा था उसी प्रोग्राम में हमने कहा था कि जो नौकरी का जो मॉडल जो है बिहार में, जिस तरह से हमारी नई सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में नियुक्ति पत्र नौकरियां दी जा रही है, वो पूरे देश इसको जो है इस मॉडल को मानेगा। तो आज क्या हो रहा, आप बताइए प्रधानमंत्री जी इससे पहले क्यों नहीं बांटते थे भाई, क्यों नहीं देते थे? और लगातार हम लोग कर रहे हैं अलग अलग विभाग, और आने वाले समय में तो हम लोग बड़े तादाद में, बस छठ है अभी, छठ के बाद भी आप देखिएगा जो हम लोगों ने कमिट किया है सब काम जो है पूरा हुआ, कोई चीज नहीं बचेगी। मतलब बिहार मॉडल पे जा रहा है ना, बिहार अच्छा बिहार मॉडल पे, बिहार में बिहार में ही हम ही लोग ने शुरुआत की है भाई, हम ही लोग शुरुआत कर रहे हैं उसका, अगर कोई फॉलो भी कर रहा है आप ये बिहार ही मॉडल को ना फॉलो रहा है, इसलिए तो आप सब लोगों को खुश होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं फिर से बिहार मॉडल जो है लोग अपना ठीक है। तो आपने सुना बिहार मॉडल पर जो है केंद्र सरकार चल रही है, साथ तेजस्वी यादव का कहना है। तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि हमने आज रोजगार तमाम युवाओं को दिया है। वहीं उन्होंने साफ कहा है कि 9469 अभ्यर्थियों की हमने बहाली की है। बता दें आपको स्वास्थ्य विभाग में जो है 9469 लोगों को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है बिहार के उप मुख्यमंत्री के द्वारा। वहीं उप मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि हम जिस तरीके से रोजगार देने इसको देखते हुए केंद्र सरकार भी वही कर रही, यानी कि बिहार मॉडल पर केंद्र सरकार चल रही है। तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं आपने सुना है, और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।